नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु जी आरती में। दोस्तों, हमारे जो कुछ भी हम पूजा आदि करते हैं तो उसमें शुद्धि की एक बहुत बड़ी विषय है। जब हम साधारण पूजा करते हैं तब भी हम उस विषय को करते हैं, उस समय शायद हम मंत्र आदि का उस प्रकार से प्रयोग नहीं करते हैं, पर जब विधिवत रूप से, पद्धतिगत रूप से जो है हम कर रहे हैं, तो उसमें ये सारे मंत्र आदि का जो है वो हम प्रयोग करते हैं। जैसे वायु शुद्धि आदि हम करते हैं, या फिर अग्नि शुद्धि आदि हम करते हैं, जल शुद्धि आदि, मतलब जल आदि प्रोक्षण आदि जब हम करते हैं ना, तो उसमें भी जो है हम ये सारी विधि हम करते हैं। देखिएगा, साधारणता जब हम पूजन कर रहे हैं, जैसे कि हमने धूप जला दिए, दीप जला दिए, धूप पूजा से पहले जो है पूरे घर में या फिर जो जिस स्थान पर पूजा हो रही है वहाँ की वायु को शुद्धि करने के लिए वहाँ पर हम जो है जो यज्ञ धूप यानी कि जो धुनची धूप है उसे हम जो है वहाँ पर संपूर्णता जो है दिखाते हैं, और जल आदि यानी कि हमारे आचमन पात्र आदि के जो जल आदि है वो हर वस्तु में हम छिड़कते हैं, पवित्रीकरण करना जिसे कहते हैं। तो ये एक सामान्य तौर पे भी हम जब पूजन कर रहे हैं, जब हम मंत्रों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब भी जो है हम वहां पर इस विधि का पालन करते ही है। पर जब हम मंत्र के माध्यम से जो है हम कर रहे हैं, मतलब विधिवत तौर पर हम पूजन कर रहे हैं संपूर्णता जो है नियम आदि अनुसार, तो वहां पर ये जो वायु बीज है इससे जो है हम वायु शुद्धि करते हैं, इससे हम शुद्धि करते हैं। अग्नि बीज जो है, अग्नि क्या करते हैं, दहन करते हैं, यानी कि वहां पर वो दहन आदि के माध्यम से वो शोधन कर रहे हैं, और जल आदि के माध्यम से प्रोक्षण कर रहे हैं, हम धो रहे हैं एक प्रकार से, जैसे हम धोते हैं ना, मतलब ये सारे के सारे शुद्धि के प्रक्रिया ही है, सारे के सारे शोधन के प्रक्रिया ही है, और आप प्रोक्षण की भी बोल सकते हैं, मतलब जो है वायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, जल के माध्यम से, मतलब तीनों का ही अगर हम देखें, वायु अग्नि और जल, इन तीन तत्वों के माध्यम से ही जो है हम ये शोधन आदि शुद्धि या प्रोक्षण आदि जो है वो कर रहे हैं। वायु जो है मतलब वायु बीज के जब हम उच्चारण कर रहे हैं, वायु बीज, या वायु बीज होता है यंग, अग्नि बीज होता है रंग, और वरुण बीज होता है वंग। वायु बीज यंग, अग्नि बीज होता है रंग, और वरुण बीज यानी कि जल बीज जो है वो वंग होता है। दोस्तों, जब हम करते हैं ना इतेश्वरी वंग धूपाय नमः, इस प्रकार से हम प्रोक्षण कर रहे हैं, तो वो जो है वो हम शुद्धि ही कर रहे हैं। और जैसे कि नैवेद्य आदि हम प्रदान कर रहे हैं, तो उस समय हम अग्नि वायु आदि बीज के बोलते हुए हम जो है वायु शुद्धि करते हुए हम जो है अग्नि शुद्धि यानी कि अग्नि शोधन आदि करते हुए फिर हम जो है जल प्रोक्षण आदि के माध्यम से फिर हम वो निवेदन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम करते हैं। दोस्तों, कोई भी आप देखिएगा, नैवेद्य आदि निवेदन विधि हो या फिर शुद्धि आदि हो, वहां पर इन तीन जो हमारे तत्व है यानी कि वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, इन तीन तत्व की विशेष भूमिका है। कई जगह पर जैसे कि कई आदि पूजा में अग्नि और वायु तत्व को विशेष महत्व दिया जाता है, पर क्योंकि हम पूजन कर रहे हैं, पुष्प कर्म कर रहे हैं, तो वो वहां पर जल आदि के विषय भी जो है वो जरूरी हो जाता है। दोस्तों, तो वायु बीज यानी कि यम, अग्नि बीज रंग, और वरुण बीज वंग से जो है हम शोधन आदि हम करते हैं। वायु बीज यम, अग्नि बीज रंग, और वरुण बीज यानी कि जल बीज जो है वो बंग है। तो ये शोधन बीज है, मैंने इसके और बारे में जो है आप लोगों को पहले भी बताया है वीडियो में कि शोधन बीज आदि का उच्चारण जो है वो आप कर सकते हैं शोधन आदि के समय, पर पूजा के बीज आदि जो है उसके लिए दीक्षा लेना आवश्यक होता है। दोस्तों, क्योंकि शोधन की हम कर रहे हैं, कोई पूजा में हम शोधन आदि कर रहे हैं उसके विषय अलग होता है, हम शुद्धि कर रहे हैं, हम शोधन कर रहे हैं वहां पर मतलब इन तत्वों के माध्यम से, इन तत्वों के माध्यम से, जैसे हम मानस उपचार में भी जब हम पूजन कर रहे हैं तब भी जो है
वायु रूप धूप जो है, अग्नि रूप दीप जो है, ये हम देते हैं, तो वहां पर भी इन सारी चीजों का उच्चारण किए जाते हैं। पर विषय ये है कि आप शोधन बीज जो है वो आप बोल सकते हैं, पर पूजा आदि के बीज, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं एक्चुअल में कि दादा जो पूजा के जो बीज है उससे ही अगर शोधन आदि सभी कुछ किए जा सकते हैं या नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शोधन आदि बीज जो होता है वो अलग होता है, पूजा बीज जो होता है वो अलग होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में एक वीडियो जो है ऑलरेडी बनाकर रखा है दोस्तों, आप लोग चाहे तो उसे ज़रूर चेक कर सकते हैं, बल्कि आप लोगों को करना ही चाहिए, इससे जो है और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो साधारणता जब हम जो है पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी हम धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, जल आदि के साथ पवित्रकरण कर रहे हैं, तो उसमें भी देखिए यही विषय है, वहां पर भी यही विधि ही हम पालन कर रहे हैं, वहां पर मंत्रहीन कर रहे हैं। पर जब विधिवत रूप से हम कोई पूजन कर रहे हैं तो वहां पर जो है हम वायु अग्नि और जल बीज आदि के साथ शोधन प्रोक्षण शुद्धि आदि शुद्धि शोधन और प्रोक्षण, वायु बीज से जो है शुद्धि यानी कि कोई भी, असल में ये जो है ना वायु मतलब वायु शुद्धि करना, हम कहते हैं ना कि वायु आदि शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। अग्नि प्रज्वलन के माध्यम से शोधन आदि करना, किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे विषय ना हो, मतलब किसी भी प्रकार की दोष आदि जो है वो अग्नि के माध्यम से जो है वो दोष रहित हो जाता है, और प्रोक्षण यानी कि जल आदि के माध्यम से जो है उसे धोना धौत करना कहते हैं इसे जो है। तो वायु के माध्यम से शुद्धि, अग्नि के माध्यम से शोधन और जल आदि के माध्यम से जो है प्रोक्षण करना यानी कि धोना जो है, इस प्रकार से ही हम निवेदन विधि को करते हैं शोधन बीज आदि के माध्यम से, जब हम जो है विधिवत रूप से जो है मंत्र आदि के साथ पूजन कर रहे हैं। मंत्रहीन भी जो लोग साधारण पूजा कर रहे हैं वहां पर भी ये विषय आ रहे हैं दोस्तों, वहां पर भी जैसे भावनात्मक रूप से, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर भी धूप शुद्धि किए जा, मतलब वायु शुद्धि किए जा रहे, धूप से दीप प्रज्वलन किए जा रहे, प्रणाम किए जा रहे, तो उससे भी जो है दोष रहित हो रहा है। पवित्रीकरण आचमन पात्र का जल आदि जो है या गंगा जल आदि सभी जगह पर छिड़का जा रहा है, तो वो भी यही विषय है। विषय एक ही है दोस्तों, उसमें जो है कोई अलगपन नहीं है, पर विधि अनुसार उत्तम पूजा जब हो रहा है तो वहां पर इन बीज आदि के साथ ही जो है उन्हें शोधन आदि जो है वो किए जा रहे हैं, और यही जो है पूजा जब हम एक प्रोसेस से कर रहे हैं, एक नियम, एक मतलब एक अनुष्ठान के समय भी हम कर रहे हैं संकल्प आदि के साथ, या फिर विधिवत रूप से हम पद्धति अनुसार पूजन कर रहे हैं, तो उसमें इस मंत्र आदि के साथ ही जो है शुद्धि शोधन प्रोक्षण आदि जो है वो किए जाएंगे दोस्तों। तो वायु बीज, यंग अग्नि बीज यानी कि वन्नी बीज जो है रंग, और वरुण बीज यानी कि जल बीज जो है वंग, इन तीन के माध्यम से जो है ये बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि दादा ये तीन जो मतलब शोधन बीज कहा जाता है, शोधन मंत्र कहा जाता है, असल में शोधन बीज तो नहीं कहा है उन्होंने, शोधन मंत्र कहा है, तो वो यही होता है। ये बीज, ये तीन बीज के माध्यम से ही जो है ये किए जाते हैं। बीज के साथ जब मंत्र हो रहा है वो पूजा मंत्र होता है दोस्तों, पूजा मंत्र की और पूजा बीज के विषय जो है वो अलग हो जाता है, मतलब बीज के साथ जब मंत्र हो रहा है तो वो अलग होता है, और बीज आदि के माध्यम से हम शोधन कर रहे हैं वो विषय अलग हो रहा है। हम यहाँ पर बीज आदि के माध्यम से हम शोधन कर रहे हैं तो शोधन के विषय जो है वो अलग हो जाता है, यहाँ पर हम केवल इन बीजों का ही प्रयोग कर रहे हैं, इन बीजों के माध्यम से ही जो है हम शोधन आदि शुद्धि आदि प्रोक्षण आदि कर रहे हैं, पर बीज मंत्र पूजा के जो बीज मंत्र आदि का प्रयोग करना होगा वो जो है गुरु दीक्षा आदि लेकर ही करना होता है, वो बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र है दोस्तों, मतलब पूजा के लिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो बीज मंत्र है, उसमें मंत्र हो रहा है, उसमें बीज आदि के साथ पूर्ण मंत्र, बीज लेकर जो है अमुक देवी दिव्यै नमः, ये जो है ये पूर्ण मंत्र होता है। पर शोधन आदि जब हम कर रहे हैं तो वहां पर केवल इन बीज आदि के साथ ही जो है हम कर रहे हैं दोस्तों। तो इन बीज आदि के माध्यम से अगर आप
मतलब नियम अनुसार जो है, पद्धति अनुसार जब आप कर रहे हैं, मंत्र आदि का प्रयोग करके ही जो है आप पूजन आदि कर रहे हैं, तो उसमें आप इन तीन बीज के माध्यम से शोधन आदि कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया है। तो अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।